बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉमीज लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको खाकर बनाकर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे और बार बार बनाएंगे। तो रेसिपी है मटन चॉप्स, जिसको हम बोलते हैं मटन की चांपें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी मटन की चांपों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के हमें इसके लिए क्या चाहिए। बहुत ही इजी है, आप झटपट से बना सकते हैं। और सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट। योगर्ट मैं आपको बताती चलूँ, ना ही बहुत ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, ठीक है। जो दरमियानी योगर्ट होती है, कोशिश करें कि थिक योगर्ट हो, क्योंकि जो ग्रेवी हमने रखनी है वो योगर्ट की ही है। योगर्ट में हमने मसाले ऐड करने हैं और हमने ग्रेवी रखनी है, तो अगर मीठी होगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा और बहुत खट्टी में भी वो टेस्ट नहीं आएगा। सेकंड, हमें ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, लेमन जूस हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर हमें चाहिए गरम मसाला 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स रोस्टेड एंड क्रश्ड 1/2 टीस्पून हमें चाहिए, ज़ीरा, कोरिएंडर सूखी धनिया हमें 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, ब्लैक पेपर हमें 1/2 टीस्पून चाहिए, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। चाट मसाला हमने शान का लिया है। मटन चॉप्स हमें चाहिए 1 kg और ऑयल हमें चाहिए 3/4 कप्स। अब मैं डायरेक्ट वही बर्तन ले रही हूँ जिसमें हमने मटन चॉप्स को बनाना है, पकाना है, ठीक है। अब हमने इन सब पहले ड्राई स्पाइसेस को मिक्स करना है, अंदर ऐड करना है। सॉल्ट भी हमने 1 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके चॉप्स को ऐड करना है। चॉप्स को ऐड करके हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, और जो चॉप्स हैं वो बहुत ही, मटन हो कोई भी मीट हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाता है, ठीक है। तो हमने इसको मैरिनेट कर दिया था 2 घंटे के लिए, कवर कर दिया था। अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है 35 to 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये 35 मिनट्स के बाद हमने इसको चेक किया। अब ये देखिए स्टीम इसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है बर्तन में, मगर यहाँ पर जो मसाला है वो थोड़ा, जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है। दही का पानी अभी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ। हमने इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए मज़ीद पकने के लिए रख देना है। अब हमने 5 to 7 मिनट्स के बाद इसको चेक किया। ये देखिए अब ऑयल सेपरेट अच्छी तरह से हो चुका है और तकरीबन हमारी मटन चॉप्स रेडी हैं। हमने बहुत ज़्यादा थिक मसाला नहीं रखना, वरना वो ड्राई हो जाएगा। जितना आपको पसंद हो आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन हमारी जो चॉप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चॉप्स बनती हैं, बहुत ही ईजी, आप झटपट से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमने अब इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यू नो, जिससे हमारी जो डिश है वो अट्रैक्टिव लगती है देखने वालों को, खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा। अगर वो अच्छी ना भी हो, अगर गार्निशिंग अच्छी हो तो यू नो खाने को दिल करता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।